सुबह सुबह का समय है। एक बड़े से महल में कई हजार लोगों की भीड़ जमा हो रखी है। क्या आज सचमुच महाराज कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि उन्होंने आज तक कभी नहीं किया? हाँ, सुनने में तो वही आ रहा है। हम सब भी यही देखने आए हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जो महाराज को खुद राज्य के लोगों को निमंत्रण देकर सुबह सुबह यहाँ बुलाना पड़ा। सभी लोग यहाँ मौजूद तो थे, पर किसी को भी नहीं पता था कि आज यहाँ क्या होने वाला है। तभी महाराज खुद चलकर एक बड़े से स्तंभ के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके पास में एक इंसान है जिसे काले कपड़ों से ढका गया है और सैनिक उसे घेरे हुए हैं। सुनो सुनो सुनो, आज हमारे महाराज इस इंसान को अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे, क्योंकि ये महाराज का अपराधी है। सेनापति के मुंह से मृत्यु दंड वाली बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर इस इंसान ने ऐसा क्या किया है जो कि इसे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये सवाल पूछ सके। आखिर ये इंसान है कौन? आदमी है या औरत या फिर कोई और? किसी को इस इंसान के बारे में कुछ पता नहीं था, ना ही इसका जुर्म। फिर भी सब खामोश थे, मानो उसकी मौत का तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। महाराज अपनी तलवार से एक ही वार में उस इंसान के शरीर से उसकी गर्दन को काटकर अलग कर देते हैं, जो कि तड़पते हुए जमीन पर गिरती है। यहां हम देखते हैं कि तीन दोस्त सपना, अमर और मेहताब इस राज्य में घूमने के लिए आए हैं। वाओ यार, ये जगह तो आज भी ऐसे लगती है जैसे कि यहाँ आज भी राजा महाराजा लोग रहते हैं। राजा महाराजा नहीं रहते हैं, पर उनके वंशज तो रहते हैं ना। और हाँ, राजा महाराजाओं के रहने से अलग कैसे हो जाएगी जगह? राजा के होने का एक अलग ही रुतबा है। सभी लोग उसकी बात मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। इज्जत नहीं करते डियर, फियर करते हैं उससे। डरते हैं कि कहीं अगर हमने उसके सामने सिर नहीं झुकाया तो वो हमारा सिर काट देगा। ओ हेलो, सभी राजा एक जैसे नहीं होते। तुमने राम जी का नाम नहीं सुना? अरे यार, तुम भी कहाँ उनकी बात कर रही हो। वो तो भगवान थे। इस राज्य के राजा के बारे में तो लोग बहुत भला बुरा कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं ये लोग? सिर्फ और सिर्फ बुरा। क्यों ना महल में जाकर इस बारे में पता करें कि आखिर सच बात क्या है। तीनों दोस्त महल की तरफ चल देते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक कब्र का ढांचा दिखाई देता है। मेहताब उसके ऊपर से ढक्कन को खोलकर अंदर झांकता है। तभी अचानक एक तेज तूफान आ जाता है। यार, किसी चीज के बारे में जाने बिना उसे छेड़ो मत प्लीज। कुछ आगे चलकर सपना एक पत्थर से टकराती है, जिसकी वजह से उसका हैंडबैग नाले में गिर जाता है। ओ गॉड, उस बैग में मेरी दवाइयां थी। कोई बात नहीं, चलो वापस जाते हैं, शहर से दवाइयां ले लेंगे। वापस जाने की बात से मेहताब को गुस्सा आ जाता है। नहीं, हम महल के अंदर जाएंगे। तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं जा रहा हूँ अकेले ही। मेहताब का ये बर्ताव अमन और सपना दोनों को बहुत अजीब लगता है। सपना चुपचाप मेहताब के पीछे चलने लगती है। सपना, कहाँ जा रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? बिना दवाइयों के तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सपना कोई जवाब नहीं देती और अब अमन को भी इन दोनों के पीछे जाना पड़ता है। वो तीनों महल के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक औरत दिखाई देती है। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, क्या हम आपका महल अंदर से देख सकते हैं? पैसे दोगे तो देख सकते हो, नहीं तो बाहर से ही देख लो। मेहताब कुसुम को पैसे देता है, जिसके बाद कुसुम इन तीनों को अपने साथ महल के अंदर ले जाती है। जैसे ही इन तीनों के कदम महल के अंदर पड़ते हैं, आसमान में जोर की बिजली कड़कती है, काले बादल छा जाते हैं। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? अभी तक तो ठीक था। चारों तरफ तूफान चलने लगता है। तुम लोग यहीं रुको, मैं आती हूँ। कुसुम वहां से चली जाती है। तभी एक आदमी को जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। अंधेरा छाने से साफ दिखाई नहीं देता है। कोई उस आदमी को बेरहमी से मार रहा था। वो आदमी भागने की कोशिश करता है, पर तभी एक तलवार आकर उसका गला काट देती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब मैंने नहीं किया। कुसुम देखती है कि सपना के हाथ में तलवार है और उसके पूरे बदन पर खून लगा हुआ है, और सामने कुसुम के भाई की लाश पड़ी हुई है।
जिसका सर कटा हुआ था। ये क्या कर दिया सपना तुमने? मेरा यकीन करो, ये सब तुम्हारे हाथ में ये तलवार और सामने कटा हुआ सर, हम कैसे तुम्हारा भरोसा करें? तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? आखिर तुम लोग हो कौन? चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। अमन सपना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है, पर तभी सामने से कुसुम आ जाती है। तुम महल के अंदर एक आदमी का खून करोगे और ऐसे ही बच जाओगे? नहीं, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सपना के इशारा करने पर कुछ लोग आकर उन तीनों को पकड़कर अंदर ले जाते हैं, जहाँ कुसुम का पति तलवार लेकर उनका इंतजार कर रहा होता है। क्यों बे, क्यों मारा तुमने मेरे साले को? उसके हाथ में तलवार देखकर अमन आगे आता है। देखिए सर, उनको हमने नहीं मारा, अचानक से अंधेरा हुआ और ये घटना हो गई। अब फिर अंधेरा होगा, लेकिन इस बार तुम लोगों की मौत होगी। कुसुम कमरे की लाइट ऑफ करती है, तभी धर्मा अपनी तलवार लेकर अमन की तरफ झपट पड़ता है। या! कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। अंधेरे में सभी इधर उधर भाग रहे हैं, तभी जोर से एक आदमी के चीखने की आवाज आती है। कुछ देर के बाद सन्नाटा छा जाता है, तब कुसुम लाइट ऑन करती है और देखती है कि धर्मा बिना सर के जमीन पर पड़ा हुआ है। वो जोर से चीखती है, नहीं नहीं। सपना जमीन पर बैठी हुई है और उसकी गोद में धर्मा का कटा हुआ सर है। बाकी सभी लोग कमरे के दूसरे कोने में सहमे हुए खड़े हैं। सपना, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी दवाइयों के बिना तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। सपना कुछ बोलने की हालत में नहीं है, वो बस अपनी जेब से अपनी दवाइयां हाथ में निकाल कर अमन को दिखाती है। तुम दवाइयां ले रही हो, मतलब ये सब तुमने नहीं, तो फिर किसने? अमन अब कातिल का पता लगाने में जुट जाता है। वो महल के सभी लोगों को बाहर आंगन में जमा करता है। सामने सपना खड़ी है और बाकी लोग एक साइड में हैं। वो कातिल हम लोगों के बीच ही है, अगर उसे रोका नहीं गया तो वो और लोगों की भी जाने लेगा, अभी पता चल जाएगा। अमन अपनी जेब में से एक छोटी सी पुस्तक निकालता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और अपनी मुट्ठी से भभूत हवा में सपना की तरफ उछालता है। पर यह भभूत उड़कर सपना के बजाय मेहताब के शरीर पर जाकर गिरता है और वो जोर से झल्लाता है। उसकी आवाज बदल जाती है और उसके बाल खुलकर उसके चेहरे पर बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत डरावना नजर आता है। ये तुमने ठीक नहीं किया। ठीक तो तुम नहीं कर रहे हो, दो बेकसूर लोगों को मार दिया तुमने। वो बेकसूर नहीं, उस कसूरवार राजा के वंशज हैं, जिसने मुझे अपने हाथों से मारा था। कौन हो तुम और राजा ने तुम्हें क्यों मारा? राजा हेमचंद मुझसे प्रेम करता था, पर जब उसे पता चला कि मैं एक औरत नहीं बल्कि एक किन्नर हूँ, तो उसने अपने महल में सभी राज्य के निवासियों के सामने मेरा सर कलम किया था। मेरी कोई गलती नहीं थी, प्रेम उसने किया और दंड मुझे मिला, वो भी सिर्फ एक किन्नर होने की वजह से। पर अब तुम चाहती क्या हो? इस महल के सभी लोगों का अंत। ये नहीं हो सकता, मेरे दोस्त के शरीर को छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारे दोस्त को नहीं चुना, उसने मुझे चुना है, मेरी कब्र को खोलकर। तुम कोई दूसरा रास्ता बताओ, जिससे किसी की जान भी ना जाए और तुम मेरे दोस्त को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। ये महल किन्नर समाज के लोगों को दान करना होगा। महल दान करने की बात सुनकर कुसुम को गुस्सा आ जाता है। तुम सड़क पर भटकने वाले किन्नरों को भी अब महल चाहिए? कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा ना, तुम सबकी मौत के बाद। महबूब एक डरावने अंदाज में हंसता है। चुप हो जाओ, ये महल तुम्हारे समाज के लोगों को ही मिलेगा, मैं दिलाऊंगा उनको ये महल। देखो कुसुम, अगर तुम नहीं मानी तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, फिर इस महल का क्या करोगी? कुसुम के मान जाने के बाद महबूब के शरीर को एक झटका लगता है। मैं किन्नर समाज के लोगों को बुला लाती हूँ। सपना किन्नरों को बुलाने के लिए चली जाती है। यहाँ कुसुम हंसने लगती है। लो बना दिया उस किन्नर को बेवकूफ, और वो तुम्हारे दोस्त के शरीर को छोड़कर चला भी गया। तो क्या तुम ये महल
किन्नर समाज के लोगों को दान नहीं करोगी? पागल समझा है क्या मुझे, जो इतने बड़े महल को उन भिखारियों को दे दूंगी ऐसे ही? कुसुम के इतना कहते ही आसमान में फिर से बिजली चमकती है, जोर से बादल गरजते हैं और एक धुआं आकर महबूब के शरीर के अंदर घुसता है। किन्नर की आत्मा वापस आ गई थी। वो तलवार लेकर राज परिवार के सभी लोगों को एक एक करके खत्म कर देती है। यहां सपना किन्नरों को लेकर महल में पहुंच जाती है। आज से ये महल आप लोगों का है, आप आराम से यहां रह सकते हैं। सभी किन्नर मिलकर मेहताब के सर पर हाथ रखते हैं, जिससे उसके शरीर से उस किन्नर की आत्मा निकल जाती है और उसे होश आ जाता है। चलें, अब देख लिया अंदर से महल कैसा होता है। तीनों दोस्त महल से निकल जाते हैं। ये कहानी मुक्तेश्वर गांव की है, जो भूतों के शाप से ग्रस्त है। इस कारण मुक्तेश्वर गांव साल में एक बार एक दिन के लिए भूतों की भूल भुलैया बन जाता है। इसलिए गांव वाले उस दिन के आने से पहले ही पूरा गांव खाली कर देते हैं और एक दिन के बाद भूल भुलैया फिर से गांव बन जाता है। ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। आज भी मुक्तेश्वर गांव भूतों की भूल भुलैया बन गया है। गांव के सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए हैं, लेकिन सरपंच की बहन के चार बच्चे रोहित, सोहित, रिंकी और पिंकी इस भूल भुलैया में फंस गए हैं। एक भूत और एक चुड़ैल भूल भुलैया के मुख्य दरवाजे पर पहरा देते हुए चारों बच्चों से कहते हैं, ये भूतों की भूल भुलैया है, आज तुम चारों इसमें फंस गए हो। भूतों की भूल भुलैया से आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं निकल पाया। नहीं नहीं भूत जी, हमें नहीं मारना, हमें छोड़ देना। चुड़ैल जी, हम इस गांव में मेहमान हैं। इस भूल भुलैया से जिंदा निकलने का एक ही तरीका है, शाम होने से पहले तुम इसका दरवाजा ढूंढ लो, नहीं तो मौत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगी। हम तुम चारों को मार कर खा जाएंगे। इस भूल भुलैया में भूतों की एक शर्त है कि उन्हें मुर्गा और बकरा खाने के लिए मिलते रहना चाहिए। इसलिए सरपंच समय से पहले ही दो मुर्गे लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ये लो तुम्हारे मुर्गे। हम दो, हमारे दो बच्चों पर तो तरस खाओ, उन्हें मार कर क्या करोगे, उनको छोड़ दो। सरपंच, भूतों के पास भावना नहीं होती। अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो शाम से पहले उन्हें यहाँ से निकाल लो, नहीं तो उन्हें हम भूतों से भगवान भी नहीं बचा सकता। सरपंच बच्चों को भगवान भरोसे छोड़कर दूसरे गांव के तांत्रिक के पास जाता है। भूत और चुड़ैल अपने अपने मुर्गे खाने लगते हैं। तांत्रिक अपने आश्रम में ध्यान मग्न है। सरपंच उसके पास आकर अपनी समस्या बताता है। तांत्रिक बाबा, मेरे बच्चे भूतों की भूल भुलैया में फंस गए हैं, उनका जीवन संकट में है। तुम मुक्तेश्वर गांव क्यों आए हो, जो भूतों के श्राप से ग्रस्त है? मेरा काम भूतों को भस्म करना नहीं है, लेकिन उस भूल भुलैया में बच्चे फंस गए हैं, इसलिए मुझे उनको बचाना होगा। भूत और चुड़ैल भूल भुलैया के बाहर पहरा दे रहे हैं। चारों बच्चे भूल भुलैया के अंदर धरे हुए और परेशान हैं। वो आपस में चर्चा करते हैं कि भूल भुलैया से बाहर कैसे निकले। दिन के 12 बज चुके हैं, हमारे पास कुल 6 घंटे का समय बचा है। यहाँ गांव में तो 6 बजे से पहले शाम हो जाती है। घड़ी मत देखो, निकलने का रास्ता तलाश करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ भैया, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं, चलो हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना, नहीं तो हम चारों गुम जाएंगे। चारों बच्चे भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। चारों आगे बढ़ते हैं, एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से फिर वहीं आ जाते हैं। चारों बच्चे रास्ता ढूंढकर थक जाते हैं और हताश होकर बैठ जाते हैं। भूत और चुड़ैल भूल भुलैया के बाहर बैठे हैं, उन्हें भूख लगती है।
वो मुर्गे और बकरे का इंतजार करते हुए आपस में चर्चा करते हैं। सरपंच ने वादा किया था कि वो हर घंटे मुर्गे और बकरे भेजता रहेगा, लेकिन उसका मुर्गा नहीं आया। हाँ, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। हम मुर्गे और बकरे का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हमारा शिकार तो भूल भुलैया के अंदर है। तुम जाकर दो बच्चे पकड़ लाओ। भूत भूल भुलैया के अंदर आता है और बच्चों को देखकर डरावने अंदाज में हंसता है। ये भूतों की भूल भुलैया है, तुम लोग बच नहीं सकते। मुझे दो बच्चे चाहिए, चुपचाप मेरे पास आ जाओ। बच्चे भूत से बचकर यहाँ वहाँ भागते हैं। भूत उनका पीछा करता है, तभी चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। दो बकरे आ गए हैं, तुम बच्चों को छोड़कर बाहर आ जाओ। भूत रुक जाता है और बच्चों से कहता है, तुम चारों की किस्मत अच्छी है जो भूतों के हाथों बच गए। भूत वहां से गायब हो जाता है और बच्चे राहत की सांस लेते हैं। चारों डर कर रोने लगते हैं। भूत भूल भुलैया से बाहर आता है। चुड़ैल के पास दो बकरे खड़े हैं। भूत उन्हें देखकर खुश होता है। तांत्रिक अपने आश्रम में अपनी मायावी विद्या से दो गरुड़ पक्षी प्रकट करता है। सरपंच उन पक्षियों को देखकर हैरान होता है। सरपंच जी, ये मायावी पक्षी हैं। ये अपनी इच्छा से अपना आकार छोटा और बड़ा कर सकते हैं। कहीं भी उड़कर जा सकते हैं। ये भूतों की भूल भुलैया में भी जा सकते हैं। हाँ, अब तुम इन मायावी पक्षियों की माया को देखो। दोनों पक्षी तांत्रिक बाबा के आदेश से उड़कर चले जाते हैं। तांत्रिक बाबा सरपंच के साथ भूल भुलैया के पास जाते हैं। दोनों पक्षी आसमान में उड़ते हुए भूल भुलैया के पास आते हैं और उसके अंदर पहुंचते हैं, जहां चारों बच्चे हैं। दोनों पक्षी अपना आकार बड़ा करते हैं, जिन्हें देखकर सब घबरा जाते हैं। डरो नहीं बच्चों, हम मायावी पक्षी अवश्य हैं, लेकिन भूतों के साथ ही नहीं हैं। हमें तुम चारों को बचाने के लिए भेजा गया है। तुम्हें किसने भेजा है? तांत्रिक बाबा ने। कौन तांत्रिक बाबा? अभी इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इससे पहले कि भूत और चुड़ैल को पता चल जाए, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। रोहित सोहित, तुम दोनों हम दोनों के पैर पकड़ लो। रिंकी पिंकी, तुम दोनों भी हमारे दोनों पैरों को मजबूती से पकड़ लो। हम उड़कर यहाँ से बाहर निकलेंगे। चारों बच्चे दोनों पक्षियों के पैर पकड़कर लटक जाते हैं और पक्षी वहाँ से उड़कर बाहर निकलते हैं। बाहर बैठे भूत और चुड़ैल की नजर उन पक्षियों पर पड़ती है। वो पक्षियों के साथ चारों बच्चों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और सतर्क होकर अपनी माया से उन दोनों पक्षियों पर हमला करते हैं। पक्षी उनकी माया से बचकर तेजी से उड़ते हैं। तभी तांत्रिक बाबा और सरपंच भूल भुलैया के पास आते हैं। दोनों पक्षी बच्चों को सुरक्षित लेकर तांत्रिक बाबा के पास उतारते हैं। रोहित सोहित रिंकी और पिंकी अपने सरपंच मामा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा भूत और चुड़ैल को अपने जादुई बंधन में बांध लेते हैं। मुक्तेश्वर गांव के मुक्त होने का समय आ गया है। ये गांव अब कभी भूल भुलैया नहीं बनेगा। अब मैं तुम्हारी माया का सर्वनाश कर दूंगा। तांत्रिक, हम इस गांव से चले जाएंगे। हाँ तांत्रिक, हमें जाने दो। मुक्तेश्वर गांव के साथ अब तुम दोनों की भी मुक्ति हो जाएगी। तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति से भूत और चुड़ैल पर मायावी हमला करते हैं। भूत और चुड़ैल भस्म हो जाते हैं। उनके भस्म होते ही भूल भुलैया भी गायब हो जाता है और वहाँ पहले की तरह ही मुक्तेश्वर गांव प्रकट होता है। सरपंच तांत्रिक बाबा को धन्यवाद देते हैं। बाबा, आपके कारण मुक्तेश्वर गांव का पुनर्जन्म हुआ है। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। तांत्रिक बाबा चारों बच्चों को आशीर्वाद देकर अपने मायावी पक्षियों के साथ आश्रम चले जाते हैं। मुक्तेश्वर गांव अब पहले की तरह
खुशहाल हो जाता है।